हेलो स्टूडेंट्स, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर साजिद अली, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आज आप लोगों को जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्रेरणिक प्रभाव। तो अलग अलग कंपटीशन एग्जाम के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और हम लोगों को आसान तरीके से उसको कैसे सॉल्व करना होता है उसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे। तो बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी और देना चाहता हूँ कि हमारे रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन का ऐप हम लोगों ने अवेलेबल कराया है आप बच्चों के लिए, जिससे आप लोग आराम से घर बैठे हमारे ऑनलाइन वीडियोस है, स्टडी मटेरियल्स है और बहुत सारी काम की जो मेजर टेस्ट सीरीज है वगैरह, उन सब का आप लोग उसका सदुपयोग ले सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको केवल गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारा ऐप जो है रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन से सर्च करना है, उस ऐप को आपको इंस्टॉल करना है। और बच्चों, इंस्टॉल करने पर आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को इतने वहाँ पर जानकारी की चीज़ें मिल रही है, जैसे हमारा फ्री आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको हमारे वहाँ पर जो एक्सपर्ट है उनके लेक्चर्स मिलेंगे वीडियोज़ के थ्रू, वहाँ पर आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जो टोटली फ्री है, उसका कोई भी चार्ज नहीं है और वो टेस्ट सीरीज आपके ऑल इंडिया कंपटीशन में अपनी रैंक को सिक्योर करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। हम लोग बताना चाहते हैं कि उस ऐप के थ्रू आप लोगों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी जो आप लोगों के करियर को और अच्छा डेवलप करेगी। तो आशा करता हूं कि आप उस ऐप को ज्वाइन करेंगे और भी अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं कि रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन की ऐप अवेलेबल है और उसको आप लोग यूज करके अपने करियर को और अच्छा डेवलप कर सकते हैं। तो तैयार करते हैं आप लोग इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोगों को ये समझना होता है कि जैसे अगर कोई बॉन्ड बनाए हमने, कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध, तो वो बॉन्ड किन्हीं भी दो तत्व या समूह के बीच में बनता है और ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन के साझा करने से बनता है। तो देखिए, जैसा कि हम लोग यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं, बॉन्ड जो है वो ए और बी के बीच में बॉन्ड है, जिसके अंदर ए का इलेक्ट्रॉन और बी का इलेक्ट्रॉन दोनों क्लब होकर साझा करके शेयरिंग करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं सहसंयोजी बंध यानी कोवेलेंट बॉन्ड। अब इस बॉन्ड के जो ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये दो इलेक्ट्रॉन्स जब क्लब होते हैं तो वो बना देते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो है इन दोनों के बीच में है, ए और बी के बीच में, बट अगर इन दोनों में से ए और बी में से किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणता अगर ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या करता है, इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पर कहा कि बी की विद्युत ऋणता ए की विद्युत ऋणता से उच्च है, यानी बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है किससे, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो बी क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, तो इस कारण से दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये किस तरफ चले गए, बी की तरफ चले गए। तो बच्चों, ए से बी की तरफ ये जो मूवमेंट हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। तो यहीं से हमारे क्वेश्चन बनता है कंपटीशन का कि यह जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है इनका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन जो होता है उसके कारण ही डेवलप होता है कौन, इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्रेरणिक प्रभाव। और ये जो हम लोगों ने पॉइंट बोला है कि ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं बी की तरफ, बिकॉज बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता क्या है, ज़्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स बी की तरफ आ रहे हैं, इस वाले प्रोसेस को बच्चों कहते हैं ध्रुवण यानी पोलराइजेशन, जिसमें एक की तरफ तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो हम कहेंगे पार्शियल पॉजिटिव, आंशिक धनावेश आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर थोड़े ज़्यादा चले गए इसलिए बी पर आएगा पार्शियल नेगेटिव यानी आंशिक ऋणावेश। इस वाले इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुवण यानी पोलराइजेशन। तो बच्चों, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का ये क्या हुआ, पूर्ण ध्रुवण हुआ यानी पोलराइजेशन हुआ, जिसके अंदर क्या होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के होने से एक पार्ट में दोनों इलेक्ट्रॉन थोड़े ज़्यादा आ जाएंगे और एक में कम रह जाएंगे। तो बॉन्ड तो वही है बट ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पोलराइजेशन के कारण से वो कैसा हो गया, उच्च विद्युत ऋणता के समूह की ओर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का आंशिक विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। तो सेकंड वर्ड आता है कि डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का मीनिंग क्या है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का मीनिंग क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स पहले शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर थे, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज़्यादा होने से इनका थोड़ा सा उधर शिफ्टिंग जो हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। तो हमको ध्यान रखना है
कि ये पोलराइजेशन तो कैसा हो गया, पूर्ण यानी कंप्लीट, और ये जो इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का विस्थापन हुआ वो कैसा हुआ, आंशिक यानी कि पार्शियल डिस्प्लेसमेंट। इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्रेरणिक प्रभाव। ठीक है बच्चों, तो आपको ध्यान क्या रखना है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का एक तो ध्यान रखना है, दूसरा इनका आंशिक विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट ध्यान रखना है, और कंप्लीट पोलराइजेशन यानी पूर्ण ध्रुवणम को ध्यान रखना है। ये तीन चीजों से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को बताना है इसका एक एग्जाम्पल। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो CH3 है ये क्लोरीन के साथ में एक बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, CH3 का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, बॉन्ड। अब आप जानते हैं क्लोरीन इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, उच्च विद्युत ऋणी, एंड कार्बन जो होगा यहाँ पर वो कैसा होगा, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव, कम विद्युत ऋणी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन से इनको क्लोरीन क्या करेगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो जो ये डिस्प्लेसमेंट होगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। तो हम लोग कहेंगे कि ये वाला जो क्लोरीन है इस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव और इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट बच्चों जो क्वेश्चन आता है इंडक्टिव इफेक्ट से वो ये होता है कि दूरी बढ़ने के साथ साथ में इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिक्रीज होता जाता है, कम होता जाता है। तो ये कैसे है, ये बहुत आसान सा एक एग्जांपल अपन लोग ले सकते हैं कि कोई भी जैसे बॉन्ड है जो दो के बीच में मिलकर बनाए, अगर इसके जस्ट पास में कोई एलिमेंट या ग्रुप है वो क्या करेगा, इस वाले बॉन्ड पर ज़्यादा इफेक्ट देगा, जबकि अगर इससे कोई आगे की ओर कार्बन जुड़े हुए हैं उनके इफेक्ट इस वाले बॉन्ड या इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, क्योंकि पास पास वालों से तो इस पर इफेक्ट ज़्यादा आएगा लेकिन दूर वाले से इसका इफेक्ट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो हम लोग क्या ध्यान रखेंगे कि डिस्टेंस यानी दूरी के बढ़ने के साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इसका कैसा आएगा, इसका जो प्रोसेस आएगा वो क्या आएगा, व्युत्क्रमानुपाती, दूरी प्रेरणिक प्रभाव के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस जो होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, आई इफेक्ट के। ये हमको ध्यान रखना है। देखिए इसको एक आसान एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया है कि इस CH2 से और इस क्लोरीन से ये बॉन्ड बना है। तो बच्चों आप जानते हैं ये CH2 के इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन से मिलकर बॉन्ड बना होगा, तो इन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग हो रही है क्लोरीन की तरफ, क्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इधर किस तरफ होंगे, डिस्प्लेस क्लोरीन की तरफ, है ना। तो ये जो CH2 है अपना इफेक्ट जो डालेगा, इसका इफेक्ट क्या होगा इन बॉन्ड्स के लिए ज़्यादा, किसके कंपेयर में, इनके कंपेयर में, और इसका है ना किससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आंशिक वाला जो पार्शियल वाला हमने चिन्ह लगाया है वो कैसा होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, यानी कि इसका इफेक्ट इसके लिए ज़्यादा आएगा, दूरी बढ़ी तो इसका इफेक्ट क्या हो गया, इससे कम, और इसका इफेक्ट इससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो हम लोग कहेंगे कि दूरी बढ़ने के साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाता है, घटता जाता है, ये हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जहाँ से एग्जाम में कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन से, और एक आते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स से। तो हमको दो चीज़ें आगे पढ़नी है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं टू टाइप्स के, एक को बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, दूसरे को बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। तो हम लोग दोनों को डिफरेंस करते हुए समझेंगे कि व्हाट इज प्लस आई इफेक्ट एंड व्हाट इज माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट जो होता है, इस प्लस आई इफेक्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो ग्रुप होगा प्लस आई ग्रुप वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग यानी इलेक्ट्रॉन दाता समूह। इसी तरह से माइनस आई इफेक्ट के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग यानी इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि अगर हम लोगों ने कोई बॉन्ड बनाया ए बॉन्ड बी, ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन अगर ए कोई ऐसा ग्रुप है जो इन दो इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर पुश कर देता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को ए इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, धकेल रहा है, तो ऐसे वाले ग्रुप को हम लोग बोलते हैं प्लस आई ग्रुप, ठीक है। और बी के लिए हम लोग देखिए क्या बोल रहे हैं कि एक कोई ऐसा ग्रुप जो अपने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा। तो अगर कोई एलिमेंट या कोई ग्रुप जो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है तो ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस आई ग्रुप,
ठीक है बच्चों, तो जो पुश कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को उसको तो क्या बोलेंगे, प्लस आई ग्रुप, और जो अट्रैक्ट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, माइनस आई ग्रुप। तो ये हो गया प्लस आई, ये हो गया माइनस आई। अब आइए इधर समझते हैं इसके एग्जांपल। तो देखिए प्लस आई इफेक्ट के जो एग्जांपल्स होते हैं वो हमने क्या लिखा है, सभी एल्किल समूह, जैसे मिथाइल समूह, जैसे इथाइल समूह, प्रोपाइल समूह, ये सभी जो होते हैं एल्काइल ग्रुप्स, ये क्या होते हैं, प्लस आई, जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, पुश करेंगे। जैसे एग्जांपल कोई यहाँ पर हाई इलेक्ट्रो नेगेटिव है, तो ये CH3 क्या कर रहा है, प्लस आई ग्रुप होने से, कैसा हुआ ग्रुप होने से, प्लस आई ग्रुप होने से अपने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को उधर पुश कर रहा है, तो इस वाले को बोलेंगे प्लस आई ग्रुप। नेक्स्ट माइनस आई इफेक्ट, इसके अंदर देखिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग होता है, ग्राही होते हैं, यानी कि ये उच्च विद्युत ऋणी समूह होंगे, जैसे फ्लोरीन, जैसे OH, जैसे साइनाइड, जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और भी बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाई होती है। तो देखिए वो क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेके चलते हैं अपन लोग, जैसे फ्लोरीन, फ्लोरीन उन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होगा उनको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, तो हम लोग इस फ्लोरीन वाले को क्या बोलेंगे, माइनस आई। इजी है बच्चों, समझ में आया होगा आशा करता हूँ। नेक्स्ट हम लोग अब जब डिस्कस करेंगे वो है सबसे ज़्यादा जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, और वो है एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, और उसके अंदर हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो इधर आ जाइए सब जने, देखिए ध्यान से समझते हैं इसको, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। सबसे पहले हमको ये डिस्कस करना होता है कि कार्बोकैटायन क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पहले ये पता ही नहीं होता कि कार्बोकैटायन किसे कहते हैं। तो बच्चों आइए पहले समझते हैं कि कार्बोकैटायन क्या है। कार्बोकैटायन, जिसको हिंदी में हम कार्ब धनायन भी कहते हैं, और उसका मतलब क्या होता है, ऐसा कोई कार्बन जिससे टोटल, ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 एंड 2, कितने हो गए, 2, 4 एंड 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्डेड होते हैं, और साथ में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चों ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और 8 इलेक्ट्रॉन की जगह इसके पास में ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स ही है। 6 इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण से हम लोग क्या बोलेंगे कि ये अनस्टेबल है, और इसको चाहिए कि मुझे कहीं से इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए और मैं कैसा हो जाऊं, स्टेबल हो जाऊं। तो देखिए अगर इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज है, तो बच्चों अगर इसको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये क्या होता जाएगा, स्टेबल होता जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग समझते हैं कि स्टेबिलिटी इसमें कैसे चेक करते हैं, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हमने एक बनाया 3 डिग्री, 3 डिग्री किसको बोलेंगे, जिसमें कार्बोकैटायन वाला जो कार्बन है उससे 1, 2 एंड 3, तीन हमारे पास में कार्बन अगर सीधे जुड़ते हैं, डायरेक्टली जुड़ते हैं, तो हम उनको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री। अगर उससे 2 कार्बन डायरेक्टली जुड़ते हैं तो 2 डिग्री, और अगर उससे 1 कार्बन डायरेक्टली जुड़ता है तो क्या बोलते हैं, 1 डिग्री। अब देखिए अपन को एक ट्रिक ध्यान रखनी है कि पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज, कोई सा भी चार्ज अगर इंक्रीज होता है तो चार्ज इंक्रीज होने पर उसकी स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व घटता है, डिक्रीज होता है। यानी हम लोग क्या याद रख सकते हैं कि चार्ज जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्टेबिलिटी के यानी स्थायित्व के, ये हमको बात ध्यान रखनी है। और यही हमारी ट्रिक जो है ये आपके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएगी। तो बच्चों ध्यान से देखिए, स्टेबिलिटी अगर इंक्रीज होगी, कब इंक्रीज होगी, जब चार्ज कैसा हो, डिक्रीज हो, और अगर चार्ज किसी का डिक्रीज होता है तो हम क्या कहेंगे, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। देखिए आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कितने प्लस आई ग्रुप हो गए, 1, 2 एंड 3, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेंगे, और ये भी इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेंगे। तीन तरफ से कार्बोकैटायन के कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, तो बच्चों इसका चार्ज जो होगा क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि इसको तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो अगर चार्ज अगर डिक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि हम लोग कहेंगे इसकी स्टेबिलिटी क्या है, बहुत ज़्यादा। आइए नेक्स्ट में समझते हैं, यहाँ प्लस आई ग्रुप बच्चों कितने रह गए, केवल 2 रह गए। अब प्लस आई ग्रुप 2 रह गए, तो ये इलेक्ट्रॉन्स पुश करेंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन्स पुश करेंगे, लेकिन यहाँ कितनी तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे, 3 तरफ से, और यहाँ कितनी तरफ से मिल रहे हैं, केवल 2 तरफ से, तो इसकी स्टेबिलिटी इसके कंपेयर में क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट इधर प्लस आई ग्रुप कितने रह गए, ओनली 1। अब 1 प्लस आई ग्रुप रह गए, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो क्या आएंगे, केवल 1 तरफ से आएंगे। तो बताइए इन तीनों में से स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी हो गई, 3 डिग्री की, उसके बाद में 2 डिग्री की, उसके बाद में 1 डिग्री की। तो यहाँ पर जो ऑर्डर आएगा बच्चों वो ये ऐसा आएगा, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री स्टेबल, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री।
है ना आसान। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। बच्चों फ्री रेडिकल में केवल हमको ये ध्यान रखना है कि जो कार्बन होगा उसके पास में तीन तो हमारे पास में बॉन्ड्स दिख रहे हैं, तो ये कितने हो गए 2N2, 4N2, 6 इलेक्ट्रॉन्स, और 1 इसके पास में फ्री है, यानी टोटल 7 इलेक्ट्रॉन में से 6 तो बॉन्डेड होंगे और 1 क्या होगा इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। इस कारण से हम लोग क्या बोलेंगे कि फ्री रेडिकल में भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और इसके पास में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखिए हम लोग क्या कह रहे हैं कि इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि इसको भी कहीं से अगर इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं तो ये कैसा होता जाएगा, स्टेबल होता जाएगा। अब देखिए हमने क्या किया इसी एग्जांपल्स में, ये जो पॉजिटिव है इन पॉजिटिव को हटाकर मैंने इनके ऊपर क्या बना दिया, देखिए एक फ्री रेडिकल यहां बना दिया, एक फ्री रेडिकल यहां बना दिया और एक फ्री रेडिकल यहां बना दिया। तो बच्चों सेम ऑर्डर आएगा, कैसा ऑर्डर आएगा सेम, क्यों, क्योंकि यहां पर जो फ्री रेडिकल बनाया इसको तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं तो ये स्टेबल हो जाएगा, यहां पर दो तरफ से ही मिल रहे हैं तो कम स्टेबल, और यहां पर एक तरफ से मिल रहे हैं तो और कम स्टेबल। तो फ्री रेडिकल का यानी मुक्त मूलक का भी स्थायित्व का क्रम क्या आएगा, सेम आएगा, कौन सा 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। आया ना बच्चों समझ में। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन। तो सबसे पहले हमको बच्चों ये पढ़ना है कि कार्बो एनायन क्या होते हैं, आइए समझते हैं इसको कार्बो एनायन को। इधर देखिए कार्बो एनायन वो वाला पार्ट होता है जिसमें कार्बन से 3 तो बॉन्ड्स जुड़े हुए हैं और एक नेगेटिव चार्ज है, यानी हम लोग क्या बोलेंगे 6 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डेड है एंड उसमें क्या है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव्स के रूप में है, यानी कि हम बोलेंगे 6 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव चार्ज, इतने पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं कार्बो एनायन। आइए इसकी स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3 डिग्री वाला कार्बन एनायन है, यहाँ पर प्लस आई ग्रुप कितने हो गए 3 दिखाई दे रहे हमको, तो हम लोग कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेंगे और ये भी इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेंगे। तो वो जो तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं ऑलरेडी इसके पास में कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो हम लोग क्या बोलेंगे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और तीन तरफ से प्लस आई ग्रुप जुड़ने से उसके नेगेटिव चार्ज में क्या हो जाएगी इंक्रीज, वृद्धि। तो उसका चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा है तो बच्चों स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज, क्योंकि अभी अभी हमने बताया था कि चार्ज और स्टेबिलिटी एक दूसरे के क्या है व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो बच्चों यहां पर है ना इसके कंपेयर में कितने हैं 2 प्लस आई ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन्स देंगे और इसके कंपेयर में यहां कितना है 1 प्लस आई ग्रुप, तो बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल इन तीनों में से कौन हो गया 1 डिग्री, बिकॉज यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो केवल एक प्लस आई ग्रुप इंक्रीज कर रहा है, जबकि यहाँ पर दो जने इंक्रीज कर रहे हैं और यहाँ पर तीन ग्रुप के कारण से नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा होने से हम कहेंगे इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम। तो कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, सबसे जो ऑर्डर होगा यहाँ पर वो ये होगा कि 1 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल और इससे कम स्टेबल 2 डिग्री और इससे भी कम स्टेबल कौन होगा 3 डिग्री। ये जस्ट किसका ऑपोजिट है कार्बो कैटायन और फ्री रेडिकल का। आया बच्चों समझ में। नेक्स्ट एप्लीकेशन एसिडिक प्रॉपर्टी। बच्चों एसिडिक प्रॉपर्टी में अम्लीय गुण में हम लोग ये देखते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट का क्या रोल है। ठीक है देखिए हमने तीन एसिड को कंपेयर कर रहे हैं और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इनको बढ़ते क्रम में लिखिए घटते क्रम में लिखिए, तो हमको बताना होता है कि कौन सा अधिक अम्ल होगा और कौन सा कम अम्ल होगा, दुर्बल और प्रबल। तो देखिए फॉर्मिक एसिड है, एक हमने ले लिया एसिटिक एसिड, एक ले लिया प्रोपियोनिक एसिड। एसिड है तो हम लोगों को बताना होगा कि वो H प्लस क्या करता है डोनेट करता है, तो हमने क्या किया एच प्लस डोनेट करके सभी के क्या बना दिए आयन बना दिए। ठीक है बच्चों अब देखिए अगर हम लोग बता रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज यहाँ भी है यहाँ भी है और यहाँ भी है, वापस से वही हमारी ट्रिक, चार्ज अगर इंक्रीज होता है कोई भी चार्ज अगर इंक्रीज होता है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ हमको इनकी चेक करनी है स्टेबिलिटी। ठीक है चेक करते हैं, यहाँ पर नेगेटिव वाला जो ग्रुप है COO उससे H जुड़ा हुआ है तो H का कोई विशेष इफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ पर CO माइनस से कौन जुड़ गया CH3, बच्चों ये CH3 हम पढ़कर आए कौन सा होता है प्लस आई ग्रुप, और प्लस आई ग्रुप क्या करेगा इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ये पुश करेगा तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा इंक्रीज, ये चार्ज हो जाएगा इंक्रीज। जबकि यहाँ पर आप लोग देखिए CH3 CH2 यानी दो कार्बन जुड़ गए, तो यहाँ पर तो बच्चों एक ही कार्बन है और यहाँ पर कितने कार्बन जुड़ गए
दो कार्बन जुड़ गए तो इनका प्लस आई जो इफेक्ट होगा वो प्लस आई इफेक्ट इस एक कार्बन के कंपेयर में क्या होगा, ज़्यादा डेफिनेटली। तो फिर इनका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा यानी ये चार्ज को क्या करेंगे, ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, और डेफिनेटली चार्ज को ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम और इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होगा वो होगा फॉर्मिक एसिड, उसके बाद में एसिटिक एसिड, और सबसे कम कौन होगा, प्रोपियोनिक एसिड। आया ना बच्चों समझ में, क्योंकि इसका जो आयन है सबसे ज़्यादा स्टेबल है और ये आयन थोड़ा कम स्टेबल है और ये सबसे कम स्टेबल है, इस कारण से ये ऑर्डर आता है। आइए इसको एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हमने एसिड्स लिए और इन एसिड्स के यहाँ पर एक फ्लोरीन है, यहाँ पर दो फ्लोरीन है, और यहाँ कितनी फ्लोरीन आ गई, तीन फ्लोरीन आ गई। तो बच्चों जैसे जैसे माइनस आई ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं हम देखते हैं इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी पर क्या फर्क पड़ रहा है। तो देखिए वापस से वही आयन बना देंगे हम लोग, तो इसका आयन बना दिया, इसका भी आयन बना दिया और इसका भी आयन बना दिया। अब देखिए यहाँ पर माइनस आई ग्रुप होगा एफ का, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये भी किधर शिफ्ट हो रहे हैं, फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता क्या होती है, सबसे ज़्यादा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो बच्चों इसके चार्ज में क्या आएगी, कमी आएगी, नेगेटिव जो चार्ज है वो कैसा होगा, कम होगा। और वापस से वही, अगर चार्ज कम होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, स्थायित्व बढ़ता है, तो इसका स्थायित्व क्या होगा, ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस आई वाले कितने आ गए, दो आ गए, यानी ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये वाला भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, इधर शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज कम हुआ था अब यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा कम होगा, है कि नहीं। और यहाँ पर कितने जुड़ गए, तीन, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो यहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज क्या हुआ, सबसे कम। तो सबसे कम अगर चार्ज यहाँ हुआ है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी बच्चों, सबसे ज़्यादा, यानी कि हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर जो आएगा ऑर्डर एसिड का वो इस तरह से आएगा, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक क्योंकि इसका ये आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ये उससे कम एसिडिक और ये सबसे कम एसिडिक। आया बच्चों समझ में। तो इस तरह से हमने समझाया है कि इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्रेरणिक प्रभाव का क्या फर्क पड़ता है अम्लता पर, एसिडिटी पर। अब हम लोग समझेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन जो इसका है, बेसिक प्रॉपर्टी। आइए बेसिक प्रॉपर्टी के लिए हमने जो एग्जांपल लिया है वो लिया है एमीन्स के अंदर गैस फेज का एग्जांपल लिया है। अब देखिए बच्चों गैस स्टेट के अंदर क्या होता है, हमने लिया एक तो अमोनिया, एक 1 डिग्री एमीन, ये कौन है 1 डिग्री एमीन, ये हमने ले ली 2 डिग्री एमीन, और ये क्या ले ली हमने 3 डिग्री एमीन, ठीक है। आइए चेक करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट का क्या फर्क पड़ता है यहाँ पर बेसिक नेचर पर। तो आप देख सकते हैं अगर हम लोग बोले हैं कि इसकी बेसिक नेचर क्या होती है, तो आप लोग जानते हैं कि ये लोन पेयर को क्या करेगा, शेयर कर लेगा, किसी को डोनेट कर सकता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है फ्री फॉर्म में, जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर्स दिख रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्रॉपर्टी क्या होती है उसकी, बेसिक नेचर। और जितना कोई एलिमेंट जैसे या नाइट्रोजन जितनी आसानी से अपने लोन पेयर डोनेट कर रहा है, अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को जितनी आसानी से दान कर रहा है, हम लोग कहेंगे वो उतना ही प्रबल क्या होगा, क्षार होगा यानी बेस होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अमोनिया अपने लोन पेयर दे रहा है, डोनेट कर रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे इसको कि ये बेस है यानी क्षार है। बच्चों देखिए यहाँ प्लस आई इफेक्ट होने से क्या होगा, ये CH3 इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा किस तरफ, NH2 की तरफ, तो इसके और देने की प्रवृत्ति क्या होगी, ज़्यादा। यहाँ पर कितने प्लस आई ग्रुप आ गए, दो, तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स देंगे और ये भी इलेक्ट्रॉन देंगे, दो तरफ से इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को मिल रहे हैं, इसलिए इसके लोन पेयर देने के अंदर क्या होगी, और अधिक प्रवृत्ति होगी। और यहाँ पर कितने आ गए प्लस आई ग्रुप, तीन तरफ से आ गए, तो ये तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं नाइट्रोजन को, तो इसके लोन पेयर डोनेट करने की प्रॉपर्टी क्या होगी, और ज़्यादा बढ़ेगी। तो अब लोग कह सकते हैं कि गैस स्टेट में इनके अंदर क्या ऑर्डर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री एमीन बेस हो जाएगी, फिर 2 डिग्री एमीन, और फिर 1 डिग्री एमीन, और सबसे कम अमोनिया, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल अपन लोग और समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर NH2 के लोन पेयर और यहाँ भी NH2 पे लोन पेयर,
तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इन दोनों में से कौन ज्यादा बेस नेचर का होगा, किसकी जो क्षारीयता है वो ज्यादा होगी। तो बच्चों देखिए, फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट होगा, और माइनस आई इफेक्ट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, खुद की तरफ खींच लेगा। तो ये लोन पेयर जो है वो तो कौन लेकर जा रहा है, फ्लोरीन अपनी ओर खींच रहा है, वो लेकर जा रहा है। तो इसके लोन पेयर डोनेट करने की जो प्रॉपर्टी होगी, प्रवृत्ति होगी, वो क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन तो उच्च विद्युत ऋणी फ्लोरीन खींच रहा है। और इसके कंपेयर में यहाँ देखिए कौन है, प्लस आई ग्रुप, तो ये सीएसटी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स देगा, ये इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, तो इसके अंदर लोन पेयर देने की प्रॉपर्टी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो दोनों में से बताइए कौन अधिक बेस होगा और कौन कम बेस होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये वाला जो होगा इसकी बेसिक नेचर यानी क्षारीयता क्या होगी, ज़्यादा, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। इस तरह से आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये सीख लिया कि प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और उसकी एप्लीकेशंस क्या होती है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। और भी हमारे वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन। थैंक यू।